जब आंख में कुछ गिर जाता है तो काफी प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, इरिटेशन होता है, आंखों में जलन होने लगती है, दर्द होता है और इसके साथ ही आंखों में खुजली होने लगती है। बार बार खुजली करने से या फिर बार बार हाथ लगाने से आंखों में सूजन आ जाती है, पलकें भी सूज जाती हैं। जब कोई व्यक्ति बाइक चला रहा होता है बिना हेलमेट के या फिर बिना चश्मे के, जो धूल होते हैं, कण होते हैं, हमारी आंखों में पड़ जाते हैं, या फिर तेज हवा के साथ, या फिर जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जहाँ पर धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है, तो वहाँ पर फॉरेन पार्टिकल आंखों में पड़ जाते हैं जिससे कि काफ़ी परेशानी होने लगती है। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे, अगर आंख में कुछ गिर जाता है तो उसको किस तरह से निकालना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखें काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, इसमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अगर आंख में कुछ गिर जाता है, सबसे पहली बात, उसको आपको छूना नहीं है, टच नहीं करना है। अगर ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो आपको एक ठंडे पानी से, साफ पानी से आंखों को धुल लेना है। जब आंखों में कुछ गिर जाता है तो हमारी आंखों से अपने आप आंसू बहते रहते हैं। आंसू इसलिए बहते हैं क्योंकि जो अंदर कचरा फंसा हुआ है, जो बॉडी होती है, उसको नेचुरली बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसीलिए आंसू काफ़ी मात्रा में बहने लगते हैं। कोशिश करिए, अगर कोई चीज़ आंख में पड़ी है, बाहर दिख रही है, आप अगर निकाल सकते हैं उसको तो आप आसानी से निकाल लीजिए। अगर वो दिख नहीं रही है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, कुछ लोग आंखों को रगड़ देते हैं। अगर आपकी आंख में कुछ गिर गया है और वो निकल नहीं पा रहा है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी क्लिनिक जाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फॉरेन पार्टिकल को टॉपिकल एनेस्थीसिया देकर बाहर निकाला जाता है, जैसे कि लिग्नोकेन आता है। दोस्तों, लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, इस पर आप देख लीजिए ये ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए है कि नहीं है। टॉपिकल एनेस्थेटिक भी आते हैं, उनको आंखों पर लगा दिया जाता है, उसके बाद आंखों की सफाई की जाती है, जैसे कि जो हमारे आंखों में कुछ गिर गया है, कचरा गिर गया है, कोई फॉरेन पार्टिकल गिर गया है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है, जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दर्द नहीं होता है और जलन भी बंद हो जाती है। और इसके साथ ही आई ऑइंटमेंट दिया जाता है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, जैसे कि नियोस्पोरिन आता है आंखों के लिए, इसको लगाया जाता है, आंखों में अप्लाई किया जाता है, या फिर क्लोरम फेनकाल, छोटे छोटे ऑइंटमेंट आते हैं, इनको अप्लाई किया जाता है आंखों पे। और इसके साथ ही आंख को ढककर रखना चाहिए, आंख में धूल ना लगे, हवा ना लगे और धूप भी ना लगे, इसीलिए स्टराइल पैड आंखों पर रख दिया जाता है, जिससे कि आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। आपको बाइक नहीं चलानी है, साइकिल नहीं चलानी है, या फिर तेज हवा जहां पर चल रही है, या फिर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ऐसी जगहों पे आपको नहीं जाना चाहिए, थोड़े दिन घर पर रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही एंटीबायोटिक ड्रॉप आँख में डालने के लिए दी जाती है, सिप्लॉक्स ड्रॉप आती है, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, इसको आँख में दिन में 3 बार तक डालना चाहिए, या फिर फेस्टिव डी आती है, ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रॉप है, इसको दिन में 3 बार आंखों में 2 बूंद डाला जाता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दोस्तों, आजकल आई फ्लू के काफ़ी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, आई फ्लू काफ़ी चल रहा है। आई फ्लू पर मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बताया था आई फ्लू क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और आई फ्लू का किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस।